उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद अब मेरठ में भी पिटबुल कुत्ते के हमले की घटना से इलाके में सनसनी मच गई है। जानकारी के मुताबिक पिटबुल ने एक बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान कुत्ते के मालिक ने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो कुत्ते ने मालिक को भी नहीं छोड़ा और उसे भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये मामला मेरठ के मवाना इलाके का है, जहां देर शाम पिटबुल ने सालिम नाम के एक नाबालिग बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने सालिम का जबड़ा पकड़ लिया। इस दौरान चीख पुकार मचने से आसपास के लोग फौरन इकट्ठा हो गए और बड़ी मुश्किल से पिटबुल के मुंह से बच्चे को छुड़ाया। पिटबुल ने सालिम का जबड़ा इतनी तेजी से पकड़ रखा था कि पेचकस की मदद से उसका मुंह खुलवाकर किसी तरह बच्चे को बचाया जा सका। इस दौरान कुत्ते के मालिक ने भी बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पिटबुल ने अपने मालिक पर भी हमला बोल दिया। पीड़ित बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हमले को लेकर पिटबुल के मालिक का कहना है कि जब भी वो अपने कुत्ते को घुमाने जाता था तो सालिम अक्सर उसे छेड़ता था। कभी उसकी दुम पर पैर रख देता तो कभी उसकी टांग खींचता था। इस बार जब उसने पिटबुल को छेड़ा तो वो गुस्सा गया और हमला कर दिया। इस पूरे मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इसी तरह का मामला पिछले दिनों राजधानी लखनऊ में देखने को मिला था, जहां एक पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने अपने मालकिन को नोच नोच कर मार दिया था। इस घटना के बाद से यूपी में पालतू कुत्तों को लेकर कई नगर निगमों ने गाइडलाइंस भी जारी की थी। इसके अलावा कई जिलों में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अभियान भी शुरू हो चुका है।